और वेल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौसम गर्मी का है और गर्मियाँ अपने साथ साथ बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परेशानियाँ भी लाती हैं। इन परेशानियों से रूबरू होते हुए आज हम बात करेंगे टॉलविन हॉस्पिटल की नैदानिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ईशान यादव जी से। ईशान्या जी स्वागत है। ईशान्या जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम में किस तरीके से मनोवैज्ञानिक चेंजेज होते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं या कुछ बीमारियां भी इसी उसमें आती हैं? जी, मैं बताना चाहूँगी कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य पे असर डालता है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में आम दिनों की अपेक्षा हमें ज़्यादा बेचैनी का अनुभव होता है। कई लोगों को नींद संबंधी दिक्कतें आती हैं, भूख नहीं लगता है। कई लोग जो होते हैं जिनको पहले से मानसिक परेशानियां होती हैं उनके लिए गर्मी के मौसम में जो हीट वेव्स होते हैं या जो गर्म का माहौल होता है एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है जो उनके अंदर मूड संबंधी चेंजेस ज़्यादा लेकर के आ जाता है। या फिर उनके अंदर जो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी सामान्य से ज़्यादा मात्रा में वो बेचैनी लेकर के आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालता है जिससे कि हमारी मानसिक स्वास्थ्य की सामान्य प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और मानसिक परेशानियों का रूप ले लेती है। कॉमन मैन इसे कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे पहचानेगा कि ये हीट की वजह से ही समस्या हो गई, ऐसा तो नहीं कि कोई और दिक्कत हो और हम समझ में आए कि हीट की वजह से? एक तो ये होगा कि नींद में आपको दिक्कत हो जाएगी, भूख में परेशानी होगी, क्योंकि कभी भी हम परेशान होते हैं मन से शरीर से तो सबसे पहले हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम प्रभावित होता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में स्लीप हो गया, एपेटाइट हो गया और सेक्स हो गया, ये तीनों चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज़ ये कि बिना कुछ काम किए आपको अत्यधिक तनाव का अनुभव लगेगा या थकान का अनुभव लगेगा, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, लगेगा नहीं मैं बाहर नहीं जाऊँ, इधर नहीं जाऊँ, उधर नहीं जाऊँ, बैठा रहूँ। छोटी छोटी बात में आप चिड़चिड़ापन अपने अंदर महसूस करेंगे, गुस्सा महसूस करेंगे। और मैं एक आपको बात बता दूं कि हीट वेव्स के कारण क्या होता है ना कि हमारे मूड में ऐसे चेंजेस होते हैं कि जो ज़्यादातर निगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करता है, लाइक गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर उदासी, ये सारी चीज़ें। और कभी कभी इतने हम आक्रामक भी हो जाते हैं कि लोगों को भी चोट पहुँचा देते हैं गुस्से के सेकेंडरी, या अपने आप को भी चोट पहुंचा लेते हैं, जो कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में कभी कभी सुसाइड के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि बाहर से भी बेचैनी का अनुभव हो रहा है, अंदर से भी बेचैनी का अनुभव हो रहा है, तो व्यक्ति इंपल्स में आकर के चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो एक तो मूड में आप फ्रीक्वेंट चेंजेस देखेंगे, फिर देखेंगे छोटी छोटी बातों पर आप बहुत एंशियस होने लगेंगे, बेचैन अनइजीनेस का फील करेंगे आप। और साथ ही जिनको पहले से कोई मानसिक परेशानी है जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर की जो समस्या होती है ऐसे रोगियों में, या पैनिक अटैक की जिनको समस्या होती है, वो ऐसे रोगी उनको ऐसा लगेगा कि उनके जो सिम्टम्स हैं पहले की मात्रा में अत्यधिक वो सिम्टम्स जो हैं धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं या उसमें स्विच या चेंजेस आ रहा है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि ये हीट वेव्स के कारण कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली एक समस्या के रूप में निकल के बाहर आ रही है। डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट में ये सारी चीज़ें सामने आ रही तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने व्यक्तिगत तौर पे अगर हमें गर्मी के मौसम में हो रहे मानसिक परेशानियों से बचना है तो सबसे पहले ट्रिगरिंग फैक्टर से बचना है। अगर आप धूप में निकल रहे हैं पहले तो कोशिश कीजिए कि मैं बच सकूँ धूप में जाने से, बट फिर भी निकल रहे हैं तो चश्मा लगाइए और छतरी का उपयोग कीजिए और कोशिश कीजिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, अगर है भी तो पेड़ के छाँव में बैठ के मैं कुछ काम करूँ ऐसा कि डायरेक्ट वेव से जो मेरा कांटेक्ट है वो थोड़ा कम हो। अधिक मात्रा में पानी पीते रहें, नींद पर्याप्त मात्रा में लें, घर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अगर गर्मी या बेचैनी का अनुभव हो रहा है तो कूलर, एसी, पंखा जो कि हमें थोड़ा ठंडक का एहसास देता है उसको इस्तेमाल में लाएँ। और बहुत जल्दी मूड में जो चेंजेस हो रहा है उसमें संलिप्त होकर के कोई डिसीजन ना ले, मूड के चेंजेस को थोड़ा समझें, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, वातावरण में बदलाव लाने की कोशिश करें। और हम कैसे अपने आप से बात करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गर्मी में अगर हम अपने आप को मैसेज दे रहे हैं गर्मी है, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी वही चीज़ें रिसीव कर रहा है जो कि हम अपने आप को बोल रहे हैं। तो किसी तरीके के
तरीके से अपने आप को रिलैक्स करते हुए अपने माइंड को भी वो मैसेज दीजिए कि ठीक है जो भी आसपास हो रहा है मुझे रिलैक्सेशन का अनुभव होगा, मैं अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करूँगा, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं मैं वो अपनाऊँगा, ये कर सकते हैं। और इनकेस अगर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ऐसे सिम्टम्स जो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और मानसिक अवस्था को ज़्यादा ही प्रभावित कर रहे हैं, जैसे सुसाइडल आइडिएशंस मतलब आत्मघाती जो विचार हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा उदासी आ गई, बहुत ज़्यादा बेचैनी आ गई, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है, नींद बिल्कुल भी नहीं लग रही है, तो किसी आसपास पेशेवर मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से जरूर सलाह लें। आज हेल्थ और वेल्थ में आपने सुना डॉक्टर ईशान्या राज जी को, और उन्होंने स्पष्ट किया है कि गर्मियों में जो विशेष तौर पर बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं, जो टेम्परामेंट में चेंज होता है आदमी को, उसे आप लाइटली न लें और कोशिश करें कि अगर चीज़ें बिगड़ती हैं तो तुरंत साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ और उनका इलाज जरूर करें। गर्मियाँ हैं, अपना ख्याल रखने, अपना और अपने परिजनों की सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।